वेलकम ऑल टू IFS ऑनलाइन चैनल। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो और स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन आता है। पहले तो हमने ये भी देखा कि एम एच सेट का सर्टिफिकेट क्यों जरूरी था। अब ये चीज़ है कि बेनिफिट्स ऑफ जो एम एच सेट है कि स्टूडेंट्स को अगर ये लगेगा कि मैं महाराष्ट्र सेट क्यों दूँ एग्जामिनेशन, राइट, कि मैं महाराष्ट्र सेट क्यों दूँ, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। ये अगर चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि यहाँ पे देखो बेनिफिट्स की अगर बात करूँ। सबसे पहले तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप महाराष्ट्र और गोवा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, राइट। वो सर्टिफिकेट दोनों स्टेट में वैलिड होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, जैसे कि अगर आप आगे PSC देना चाहते हो या ऐसा कुछ जो भी एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप फिर एलिजिबल हो जाओगे। फिर उसके साथ साथ PSD, आप PSD के लिए एग्जेम्प्टेड हो जाओगे। मतलब क्या, आपको नेट एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई PhD, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई या लेटर से कोई दूसरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वो भी नेट क्वालिफिकेशन, सेट क्वालिफिकेशन, ये सभी चीज़ों को वो वैलिड गिनती है फॉर देयर एडमिशन क्राइटेरिया। तो जो एडमिशन क्राइटेरिया के लिए अगर सेट भी एक वैलिड है, तो आपने सेट क्लियर करने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ पे आप एग्जेम्प्टेड हो जाओगे। मतलब कि आपको डायरेक्टली PhD के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको नेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। That is, अब वो डिपेंड करता है हर एक यूनिवर्सिटी, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी में तो डेफिनेटली होता ही है, बट जो भी कुछ दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे उसके लिए भी ये यहाँ पे डिपेंड करता है। बट एनीवेज मोस्ट ऑफ के लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली आप सेट क्वालिफाई करके भी आप PhD इंटरव्यू में बैठ सकते हो, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि आपको JRF यहाँ पे JRF का यहाँ पे जो मौका है वो नहीं मिलेगा, मतलब JRF फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका API में 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पता भी हो कि आप जब PSC एग्जामिनेशंस देते हो तो हर एक PSC का एक खुद का पहले API सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है इंटरव्यू के लिए भी, कि आपने ये एग्जाम दी होगी, वो एग्जाम दी होगी, इतने रिसर्च या फिर रिसर्च पेपर पब्लिश किए होंगे, 12th में इतने मार्क्स आए होंगे, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें आपका API में ऐड होता है। तो ये जो API है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें आपके 5 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। तो आप ये इजी एग्जामिनेशन देके आप 5 पॉइंट्स ऐड करने में इसमें हिचकिचाहट कैसी, राइट। तो ये चीज है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेट और CSIR नेट का जो LS है वो इक्विवेलेंट है, मतलब कि दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहता है, ठीक है। इट एड्स वैल्यू टू योर CV। अब CV में आप डेफिनेटली आप अपने जो आइडल्स है उसमें आप उनमें उनके CV में आप देखते हो कि उन्होंने इतनी बढ़िया एग्जाम क्लियर की, वो एग्जाम क्लियर की, इतनी सारी एग्जाम क्लियर की, तो वैसे ही आपका भी यहाँ पे मेन मोटिव यही रहना चाहिए कि आपको हो सके उतनी मैक्सिमम कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करें, और उसमें से एक ये जो है वो डेफिनेटली इसमें एड अप हो जाएगी, क्योंकि ये एक ईजी एग्जामिनेशन है, ठीक है। सेट एग्जामिनेशन जो रहती है, खास करके महाराष्ट्र सेट की भी बात करो तो वो एक ईजी एग्जामिनेशन है, वो भी आप कर सकते हो, राइट। उसके अलावा एलिजिबल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स टू, ये भी फायदा है दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर उनमें जो हर बार वो पूछते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पे महाराष्ट्र सेट के लिए क्या हम, मैं UP से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, तो क्या मैं महाराष्ट्र सेट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, डेफिनेटली ऑल आर एलिजिबल टू गिव द महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन एज लॉन्ग एज दे आर फ्रॉम द लाइफ साइंस बैकग्राउंड, मतलब लाइफ साइंस के कोई भी दूसरे एक स्ट्रीम से होने चाहिए, और उसके साथ साथ जनरल कैटेगरी में वो 55 से अबाव उनके होने चाहिए, उन लोगों को जनरल एज ए जनरल कैटेगरी उनको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। नेक्स्ट इसका एक बड़ा फायदा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे बढ़िया भी बात क्या हो सकती है। बाकी आप दूसरी एग्जामिनेशंस देखो तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर एक सर्टन एज लिमिट होती है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टू क्लियर अदर एग्जामिनेशंस टू, अगर साइकोलॉजिकली भी देखिए कि आपने एक एग्जामिनेशन क्लियर कर ली तो डेफिनेटली आप फिर बूस्ट अप हो जाओगे, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, मोटिवेटेड हो जाओगे दूसरे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए भी, और वही एक स्टूडेंट का यहाँ पे मेन मोटिव होना चाहिए कि हो सके उतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को वो क्लियर करें, ठीक है, सो देट उनका CV भी एडअप हो, वो उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा ब्रॉडन हो, ठीक है, और ज्यादा वाइडन हो, और यहाँ पे कैसे एक अलग ही लेवल का यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, ठीक है। तो ये कुछ इसमें बेनिफिट्स थे महाराष्ट्र सेट के। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे इतने बेनिफिट्स भी इनफ है कि ये एग्जाम को देना तो चाहिए ही, ठीक है, उसका कोई नुकसान तो है नहीं यहाँ पे। सो दैट इज द थिंग, ओके। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।